एक हैरतअंगेज वारदात सामने आई है। यदि आपके मोबाइल में पैसे के लेन देन संबंधी ऐप है और आपका बैंक खाता उस ऐप से लिंक है तो संभल जाइए। मोबाइल को अपने बच्चों को सौंपने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि नागपुर में एक परिवार को इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। 15 साल के एक लड़के ने अपने पिता के मोबाइल में फ़ोन पे ऐप की ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ाने की कोशिश की और गूगल से फ़ोन पे ऐप के फर्जी लिंक का इस्तेमाल करके ऑनलाइन जालसाजों के जाल में फंस गया। धोखेबाजों ने उसके पिता के खाते से 8,95,000 रुपए चुरा लिए। नागपुर के अशोक मनघटे परिवार का दिवाली में धोखेबाजों ने दिवाला निकाल दिया। मनघटे परिवार ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले धोखेबाजों के हाथों घर बनाने के लिए गए होम लोन के 8,95,000 रुपए गवा दिए। अशोक मनघटे बिजली बोर्ड के कर्मचारी है। दिवाली से पहले उनके बेटे धीरज ने मोबाइल ऐप के जरिए कुछ पैसे का लेन देन करना चाहा, जिसके लिए उन्होंने गूगल पर फोन पे ऐप के कस्टमर केयर का नंबर खोजा। गूगल खोज पर उसने फोन पे ऐप के ग्राहक नंबर को दिखाते हुए एक लिंक दिखा। लड़के ने विभिन्न जानकारी ली। उसके बाद ठग ने धीरज से अपने मोबाइल पर एक अलग ऐप इंस्टॉल करने को लगाया। जैसे ही धीरज ने ऐप डाउनलोड किया, धीरज के मोबाइल की लिंक ठग के पास चली गई और फिर ठग ने धीरज के पिता के खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। 15 वर्षीय धीरज आधी रात के आसपास हुई इस घटना से भयभीत था। उसने अपने पिता को पैसे कटने की जानकारी दी। उन्होंने तुरंत एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया। हालांकि उसके बाद उसकी आंखों के सामने कुल 8,95,000 ऑनलाइन खाते से ठग लिए गए। आम्ही बँके कर्ज घर बांधणीसाठी कर्ज घेतलं आणि फोनपेची किंवा हे फोनपेची रेंज वाढवण्याकरता मुलांनी बँक SBI कस्टमरला फोन केला। त्यांनी फोनपेच्या कस्टमर केअरशी बोलायला लावलं आणि ह्या मुलांची फसवणूक माझ्या मुलाची फसवणूक करून माझ्या खात्यातून 8,95,000 काढून घेतली। ठगी हो तो थाना से पहले दे साइबर सेल को सूचना, मिल सकती है राहत। पुलिस ने इस संबंध में एक औपचारिक शिकायत दर्ज की और जांच शुरू की गई है। ऑनलाइन फ्रॉड झाला की एका 15 वर्षीय मुलाने वडिलांचा फोन वापरून वडिलांच्या बँकेचा पूरा डाटा वापरून त्याने गुगल वर सर्च करून की त्याला फोन पेचं क्रेडिट वाढवायचं आहे। क्रेडिट वाढवण्याकरता त्याने त्याच्यावरनं पूर्ण त्या गुगलवरून फोनपेचा सर्च केले, नंबर घेतले, त्याच्यावर फोन केला। त्याच्याकडनं जो बोलणारा माणूस आहे त्याने सांगितलं की मी SBIच बोलतो आहे असं भासवलं त्याने आणि त्याने एक एक रिक्वेस्ट टाकली, हे करा ते करा। त्याप्रमाणे त्या मुलाने अज्ञानाच्या युगात त्याला माहीत नसल्यामुळे त्याने ते डाउनलोड केले। डाउनलोड केल्यानंतर त्याने म्हटलं हे पैसे टाका, ते पैसे टाका, इकडे बटन दाबा, त्याप्रमाणे ते पैसे त्याच्याकडनं निघून गेले। अशा प्रकारे त्याचा तो फॉड झाला आणि नंतर ते वडिलांना मेसेज आला की पैसे झाले। अशोक मनघटे ने अपने घर बनाने के लिए कुछ ही दिन पहले होम लोन लिया था। उनका घर बनाने का सपना उसी पैसे पर निर्भर था। अब उन्हें इस सवाल का सामना करना पड़ रहा है कि अगर वह घर बनाना चाहे तो कर्ज कैसे चुकाए, इसीलिए ऑनलाइन लेन देन से कैसे सावधान रहे। बच्चों की एक छोटी सी गलती की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, इसीलिए ऐसे जालसाजों से सभी को सावधान रहने की जरूरत है। साइबर ठगों की चाल ने अभिभावकों के कान भी खड़े कर दिए हैं।